हेलो दोस्तों, मैं कुसुम रावत स्वागत करती हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, यहां पे बहुत तेज बारिश चल रही है, जोरों शोरों का बारिश हो रहा है। दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग, मैं छाता पकड़ा है, तो इसीलिए छाता पकड़ा हुआ है। बहुत तेज बारिश आ रहा है और ठंडा भी हो रहा है, बहुत ही ठंडा हो रहा है दोस्तों। और मैं छत में इसलिए आई हूँ कि आपको बाहर का दृश्य दिखा पाऊँ, खेत खलिहान कैसे भरे हुए हैं पानी से। और कभी कभी होना भी चाहिए, बारिश में भी ब्लॉगिंग होनी चाहिए। और बाहर तो मैं जा नहीं सकती, तो पूरा बारिश चल रहा है इधर, कपड़ा सुखाने का सूखने का भी नाम नहीं है। दो तीन दिन से तो यही हाल है इधर, ठंडा हो रहा है। बाहर नहीं जा पा रही हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए, तो इधर में ही ब्लॉग आज इधर से छत से ही आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पे बहुत जोरों का बारिश लगा हुआ है और ये देख सकते हो आप लोग कितना जोर का बारिश आ रहा है। हरे भरी हरियाली छाई हुई है, कितने सुंदर पेड़ पौधे, कितने अच्छे लग रहे हैं, इतने हरे भरे, पक्षी भी उड़ रहा है इतना सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं चलती हूँ नीचे, इतना ठंडा हो रहा है छत में। इधर से वो पानी, रोड में पानी देख सकते हो, अब लबालब भरा हुआ है और पूरा देख सकते हो कितना जोर शोरों का बारिश आ रहा है। ये मौसम बहुत दिन से खराब चल रहा है और ये कपड़ा भी नहीं सूख पा रहा है, क्या कर सकती हूँ समझ में नहीं आ रहा है। और ब्लॉगिंग करने के लिए भी मुश्किल हो रहा है, कहाँ जाऊँ ऐसे बारिश में, इसलिए मैं घर में ही आप लोगों को दिखाती हूँ कि इतना जोर शोरों का बारिश आ रहा है। आज सामने घर में बैठी हुई हूँ क्योंकि बाहर बहुत जोरों शोरों का बारिश लगा हुआ है और इतना तेज बारिश था कि हस्बैंड साहब अभी ड्यूटी से आए और भीग के आए, लेकिन अभी उन्होंने कपड़े कुपड़े चेंज कर लिए और खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं दिखाती हूँ खाना खा रहे हैं, कैसा लग रहा खाना? टेस्टी। तो खाना तो वो खा चुके हैं और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, वो लोग आराम कर रहे हैं और मैं तो ऐसे ही बैठी हुई हूँ। और मैं बाहर दिखाती हूँ, इतना जोरों का बारिश आ रहा है, तो कहीं जाना भी, कहीं ब्लॉगिंग करने जाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं इतना तेज बारिश आ रहा है दोस्तों, और आसमान भी कड़क रहा है, देख सकते हो कितना आ रहा, पानी गिर रहा है और बहुत आ रहा है। मैं भीग चुकी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं भीगूंगी, हस्बैंड साहब डांटेंगे अभी, मैं ज़्यादा नहीं भीगूंगी और चलेंगे। आज इधर ही मैं हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं जहाँ पे बगान बनाया है, मैंने बगान बनाया क्योंकि हम लोगों ने नया क्वार्टर में शिफ्ट किया, तो मैंने इधर बगान बनाया है। और वो मैं एक दिन मेरा पूरा क्या बोलते हैं, ये एक दिन मेरा पूरा ये घास कटिंग करने में लगा, इतना डेंजर घास हो रखा था ना दोस्तों, वो जो उस तरफ दिख रहा है ना वैसा घास हो रखा था यहाँ पर भी। और वो यहाँ से लेके कटिंग किया और वहाँ तक कटिंग किया, भर चुका है क्योंकि मकई डालूंगी अभी, जब बारिश रुक जाएगा तो मकई डाल दूंगी। तो ये खुदाई भी हो चुकी है, आप लोगों को खुदाई का नहीं दिखा पाई, पूरा साफ सफाई कर लिया है। नए क्वार्टर के बगल में ही मैं अपना थोड़ा सा बगान लगाऊंगी, मतलब थोड़ा साग सब्जी उगाने के लिए, मकई थोड़ा बहुत अपने घर का सब्जी निकल जाए, तो इसमें थोड़ा मेहनत कर रही हूँ आजकल। और इस तरह भी पूरा घास कटिंग किया, वो जो केले के पेड़ दिख रहे होंगे ना, उनमें भी केले लगे हुए हैं, तो वो भी उधर भी साफ किया कि थोड़ा केले भी खाने को मिल जाएंगे। तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ी क्योंकि हाथों में छाले अभी भी, उंगली टेढ़ी लग रही हैं, ये उंगलियाँ ना पूरी टेढ़ी लगी हैं। दो दिन लगातार घास काटा, फिर उसके बाद खुदाई किया, तो अपने मैं अकेले नहीं किया, एक दीदी को भी बुलाया, तो दोनों ने मिलके हम लोगों ने ये काम किया। तो देख सकते हो साइड में तो ये मेहंदी के पेड़ हमने देखे भी नहीं है, जब से आसाम में आए तो पता चला कि हाँ ऐसे भी मेहंदी के पेड़ होते हैं। मेहंदी का पेड़ भी मिल चुका है मुझे, ये मेहंदी का पेड़ है, लेकिन मैं इसका पत्ता निकाल के लेके गई हूँ घर में, मैंने ये मेहंदी का पेड़ देखा और मैं इसके सारे पत्ते निकाल के
लेके जा चुकी हूँ घर में, क्योंकि मेरे को मेहंदी भी गाना है तो उसको। मेहंदी के पत्ते तो आप लोगों ने भी देखे हैं कि नहीं देखे, ऐसे होते हैं ये मेहंदी का पत्ता। अब प्योर मेहंदी, इसको हाथ में लगाने से भी ना हाथ लाल हो जाते हैं, और बालों में लगाने से तो और ही, क्योंकि ये तो नेचुरल है ना, तो बालों को ख़राब भी नहीं करेगा और बहुत ही लाभदायक होगा बालों के लिए, तो क्योंकि नेचुरल चीज़ है तो इस चीज़ का मैं बखूबी प्रयोग करती हूँ। फ्रेंड्स क्या कर रहा है? ट्यूशन भैया को बोल रहा नहीं आ पाऊंगा। हाँ, ट्यूशन की जानकारी ले रहा है क्योंकि ट्यूशन है कि नहीं है ये देख सकते हो। और उसने आज अपने पापा से ये प्रिंट आउट करके मंगाए हैं, क्योंकि जो उसने ड्राइंग बनाई थी ना उसका प्रिंट आउट करके प्रिंट आउट करके लाओ पापा, तो उसका पापा वो प्रिंट आउट करके लेके आ गए। ये प्रियांशु ने खुद अपने हाथ से की है ड्राइंग, ये देख सकते हो आप लोग, और बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग करता है मेरा बेटा, बहुत ही अच्छा कलाकार है ये देख सकते हो। ये देख सकते हो कितनी खूबसूरत स्केच बनाई हुई है, और ये हेल्थ एंड क्लीननेस ये सारे उसी ने बनाए हैं। दोस्तों अभी बारिश बंद हो गया है ये देख सकते हो आप लोग, और कपड़े उठा दूंगी क्योंकि नहीं तो और तेज़ बारिश आ जाएगा तो फिर उठाना ही मुश्किल हो जाएगा। इधर उठा के इधर बाहर में रख दूंगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना, और जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।